कोडी का जन्म 26 फरवरी 1846 को ली क्लियर आयोवा के बाहर खेत पर हुआ था। उनके पिता इसहाक कोडी का जन्म 5 सितंबर 1811 को टोरंटो टाउनशिप अपर कनाडा में हुआ था, जो अब टोरंटो के पश्चिम में मिसिसोगा और ओंटारियो का हिस्सा है। बिल की माँ मैरी एन बोन्सले लेकॉक का जन्म फिलाडेल्फिया के पास न्यू जर्सी में 1817 के आसपास हुआ था। वह स्कूल पढ़ाने के लिए सिनसिनाटी चली गई और वहाँ उनकी मुलाकात इसहाक से हुई और उन्होंने शादी करी। वह जोशिया बंटिंग के वंशज थे, जो एक क्वेकर थे जो पेनिनसुला में आके बस गए। बफेलो बिल को क्वेकर के रूप में उठाए जाने का संकेत देने के लिए कोई सबूत नहीं है। 1847 में यह जोड़ी अपने बेटे को विलियम कोडी के रूप में पेल काउंटी में डिक्सी यूनियन चैपल में बपतिस्मा दिया गया था। अपने पिता के परिवार के खेत से बहुत दूर नहीं चैपल कोरी पैसे के साथ बनाया गया था और भूमि को टोरंटो टाउनशिप के फिलिप कोरी द्वारा दान किया गया था। वे कई वर्षों तक ओंटारियो में रहते थे। कोरी के पिता इसहाक ने मिसिसिपी नदी पर कांसास में लेक यार आयोवा के पास अपने खेत में अपने परिवार को स्थानांतरित कर दिया, जहां उन्होंने किकापू इंडियन एजेंसी के पास एक व्यापारिक पद संचालित किया। उस समय कांसास उन लोगों के बीच एक हिंसक संघर्ष में उलझा हुआ था, जिन्होंने दास्ता का विरोध किया और जिन्होंने इसका समर्थन किया। एक एंटी स्लावरी भाषण के दौरान इसहाक को मारा गया और वो अंततः 1857 में 3 साल बाद अपने घाव पर गिर गए। अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कोडी पहले से ही रसेल मेजर और वेडल फ्रंट कंपनियों के लिए 9 वर्ष की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया, जहाँ उन्होंने बनाया कि एक घुड़सवार के रूप में अपने कौशल का उपयोग कैसे करें। 1857 में कोडी को एक महान अमेरिकी माने जाने के बाद महान मैदानों में सबसे कम उम्र के भारतीय लड़ाकू के रूप में भी माना जाने लगा, जिसने कोडी काम कर रहे मवेशी अभियान पर हमला करने में मदद भी की। इसी मवेशी ड्राइव पर कोडी ने युवा जंगली विधेयक हिकॉक से मुलाकात की, जिसने एक लड़के कोडी में एक बूढ़े आदमी के साथ लड़ाई में हस्तक्षेप किया। 1868 में कोडी स्काउट्स के प्रमुख के रूप में सेना के लिए अपने काम पर लौट आए। हर समय एक राष्ट्रीय लोक नायक बनने के बाद अपने बदले अहंकार बफेलो बिल के डाइम पर न्याय शोषण के लिए धन्यवाद दिया। 1872 के उत्तरार्ध में कोडी ने स्टेट्स ऑफ द प्रेरी में अपने मंच की शुरुआत करने के लिए शिकागो चले गए। नेट बंटलाइन के मूल वाइल्ड वेस्ट शो में से एक अगले वर्ष जंगली विधेयक हिकॉक में शामिल हो गए और ट्रूप 10 साल तक दौरा किया। अमेरिकी सेना के जनरल फिलिप शेरिडन ने कोडी में करिश्मा और सीमांत के संयोजन को पश्चिम की सेना के लिए एक प्राकृतिक जनसंपर्क वायुमंडल के रूप में देखा, जिसे कुछ अच्छे प्रचार की आवश्यकता थी। सेना की सुरक्षा के तहत रूस के ग्रैंड ड्यूक एलिसिक्स जैसे गणमान्य व्यक्तियों का दौरा करते हुए बफेलो बिल के साथ जनरल शेरिडन और ब्रिगेडियर मेजर जनरल जॉर्ज आर्मस्ट्रांग के कस्टर के साथ भव्य शिकार अभियान पर गए। ये भ्रमण पूर्ण पैमाने पर मीडिया कार्यक्रम था, जो सैन्य और कोरी दोनों को ग्लैमराइज करता था। इस समय के दौरान लुगदी कथा उद्योग ने सस्ती पत्रकारिताओं का उत्पादन किया, जो नायकों और खलनायकों के शोषण को रोमांचक बताते थे, जिन्होंने उन भड़काने वाले सच्चाइयों में से एक का मुख्य आंकड़ा बफेलो बिल समेत मैदानी इलाकों में घूमते थे। 1872 में डाइम उपन्यास लेखक नेट बंटलाइन ने कोडी को मंच पर खुद को चित्रित करने के लिए राजी किया। शो बिजनेस बक कोडी को मारा और उन्होंने अगले वर्ष अपना संयोजन ट्रूप बनाया। इस समूह के जेम्स बटलर वाइल्ड बिल हिकॉक और टेक्सास जैसे ओमहुंड्रो भी शामिल थे, जो प्रामाणिक पश्चिम पात्र थे जिन्होंने मेलोड्रामा को कुछ विश्वास दिया था। 1883 में बफेलो बिल ने बफेलो बिल वाइल्ड बेस्ट का गठन किया, जिसमें एक सर्कस जैसा शो था जिसमें कौशल घोड़े की दौड़ मंच युद्ध पूर्ण मूल्यांकन और कई अन्य आकर्षण के साहसी काम शामिल थे। उनके शो ने यूएस का दौरा किया और पूर्व में विशेष रूप से लोकप्रिय था, जहां अमेरिकी पश्चिम जिज्ञासा बना रहा। बफेलो बिल के प्रदर्शन में कलाकारों में एनी ओकेलो केलामी जैन सिकोस प्रमुख बैठे बुल शामिल थे। वाइल्ड वेस्ट में शो 1880 और 1890 के दशक में बेहद लोकप्रिय था। इस शो ने यूरोप का कई बार दौरा किया, जिसके दौरान बफेलो बिल ने इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सेवन रानी विक्टोरिया कैसल विलहम्स द्वितीय और कई अन्य लोगों के सामने प्रदर्शन भी किया। 1906 में जब उनका शो समाप्त हुआ, तब तक बफेलो बिल एक अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी और अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध पुरुषों में से एक थे। 1998 में अमेरिकी नायक स्पेनिश अमेरिकी युद्ध की लड़ाई के साथ कोडी की छाया से उभरे। अपने व्यापार दायित्वों के उपयुक्त युग के बावजूद कोडी ने अपने प्रशंसकों से वादा किया कि वह स्पेन के साथ संघर्ष में लड़ेंगे। कोडी ने जनरल मिल्स के साथ अपने 2 घोड़ों को भेजा, जिन्होंने प्यूटो रिको को लेने के अभियान के दौरान उन्हें सवार किया। यह इस युद्ध प्रयास में कोडी एकमात्र प्रत्यक्ष योगदान था।
रोड राइडर्स के थियोडोर रूजवेल्ट की रेजिमेंट सफलतापूर्वक क्यूबा में लड़ी और अमेरिकी रफ राइडर्स के एक नए नेता उभरे। रफ राइडर्स मोनिकर की लोकप्रियता के बावजूद रूजवेल्ट ने कोरी द्वारा अपने मूल उपयोगों को स्वीकार नहीं किया। रूजवेल्ट ने सैन जुआन हिल की लड़ाई के जंगली पश्चिम प्रदर्शन में भाग लेने से इनकार कर दिया, भले ही उनके कई पूर्व रॉक राइडर्स ने पूर्ण मूल्यांकन में प्रदर्शन किया हो। बफेलो बिल कोरी कभी सेना निवृत्त नहीं हुए। डेनवर में अपनी बहन के घर जाकर 10 जनवरी 1917 को उनकी मृत्यु हो गई। अपने अनुरोध से उन्हें डेनवर कोलोराडो के पश्चिम में लुकआउट माउंटेन पर दफनाया गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।